जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज देवशयनी एकादशी है, तो देवशयनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चतुर्मास आरंभ हो रहा है, आज से प्रभु अपने श्री क्षीर सागर में शयन करने के लिए 4 महीने के लिए जा रहे हैं। फिर देवोत्थान एकादशी वाले दिन वो अपनी योग निद्रा से जागेंगे। इन दिनों प्रभु का नाम जाप और संकीर्तन करने से हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रारब्ध में भी पूर्व जन्मों में भी किए होंगे, वो 4 महीने इनमें पूजा जप तप करो तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दान करो, और इस बार तो अधिक मास भी है सावन के महीने में, तो उसमें अपना खूब दान पुण्य करो, पूजा पाठ करो, धार्मिक कथाएं सुनो और सत्संग करो, तो आपके सारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। अब मैं आपके सामने लेकर आई हूँ भगवत गीता का त्रयोदश अध्याय। आज मैं 13वां अध्याय लेकर आई हूँ आपके समक्ष, जिसका विषय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, तो शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मेरी राधे रानी सरकार की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह शरीर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो पहले मैं आपको क्षेत्र का क्या अभिप्राय है वो बताती हूँ। जैसे खेत में जब बीज बोया जाता है तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र। एक जो जगह खेत होता है उसको क्षेत्र बोला जाता है, और उसमें जो बीज बोया जाता है, जब जैसा बीज बोएंगे समय आने पर वो बीज ही एक वृक्ष का या पौधे का रूप लेगा और वो बड़ा होकर हमारे सामने आएगा। उसी प्रकार हमारा ये शरीर क्षेत्र है। इस शरीर के द्वारा हम जो कर्म करेंगे, समय आने पर जब हमारे कर्मों का फल मिलेगा तो वो हमें भोगना पड़ेगा। हम जो पूर्व जन्मों में करके आए हैं या इस जन्म में कर रहे हैं, तो अगले जन्म में या इस जन्म में वो कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। जिस प्रकार किसान खेत में बीज डालता है और वो फसल के रूप में तैयार होती है, तो वो क्षेत्र, उसमें फसल आई तो उस क्षेत्र में जो फसल आई वो क्षेत्र, और किसान जो फसल को उगा रहा है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो श्री भगवान बोले, अब आपको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ समझ आ गया ना, किसान और जो खेत उसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहा गया है। इधर क्षेत्र का फल हमारे शरीर से है। तो हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र के नाम से कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, अर्थात किसान। मतलब हम जानते हैं, हमारा ज्ञान जानने लगता है, तब उसको हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस नाम से उसके तत्व को जानने वाला ज्ञानी जन कहलाता है। अपने शरीर के विषय में, अपने आत्मा के विषय में जो जानने लगता है वो क्षेत्रज्ञ होता है, वो ज्ञानी जन होता है। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। सब को जानने वाला कौन एक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा है, वो ही क्षेत्रज्ञ हैं, जो सब के बारे में सर्वज्ञ जानने वाले हैं, सर्वज्ञाता हैं। यह क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है। इनमें 5 भूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति भी, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह संक्षेप में कहा गया है। श्रेष्ठता के अपमान का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार ना सताना, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा सहित गुरु की सेवा करना, अंतःकरण की स्थिरता और बाहर और भीतर मन की शुद्धि। बाहर और भीतर के मन की शुद्धि से क्या अभिप्राय है वो मैं आपको समझाती हूँ। सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से
अपने अन्न की आहार की यथा योग बर्ताव से आचरण की, जल मृतिका से शरीर की शुद्धि करने को हम बाहरी शुद्धता कहते हैं, तथा राग द्वेष कपट ये जब सब विकार नष्ट हो जाते हैं तो इससे हमारी अंदर की शुद्धता होती है। तो अंतःकरण की स्थिरता और मन की इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इसी को कहते हैं शुद्धता। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों को बार बार विचार करना, पुरुष पुत्र स्त्री घर धन आदि में आसक्ति का अभाव, मोह नहीं हो, सब मेरे हैं लेकिन मेरे फिर नहीं है, हम ग्रस्त में रह रहे हैं, हमें पता है ये सब ग्रस्त में सगे संबंधी मेरे हैं, लेकिन एक सत्य ये भी है कि कोई अपना नहीं है, एक परम पिता परमेश्वर के अलावा, जो हम ये नाम जाप करते हैं बस वही हमारे साथ जाता है, ना ये धन, ना ये रिश्ते नाते, ना ये सगे संबंधी, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। तो सत्यता को ही हमें विचार में रखना है, नहीं तो हम इस मोह में पड़े रहेंगे और अज्ञानता बस अपना ही बुरा करते रहेंगे। अप्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, कितना भी अच्छा और बुरा हो जाए अपने चित्त को हमेशा एक समान रखना है, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयायुक्त से दूर रहना, मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा ही भगवान कहते हैं। जो जानने योग्य तथा इसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको मैं भली बात कहूँगा, उसको अनादिकाल बाला परब्रह्म तथा सत ही कहा जाता है, ना असत ही। वह सब और हाथ वाला, सब और नेत्र और सिर और मुख वाला और सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। जिस प्रकार स्थित से यहाँ अभिप्राय किया है, जैसे आकाश में वायु अग्नि जल और पृथ्वी सब स्थित होती हैं, वैसे ही परमात्मा चराचर ब्रह्मांड में स्थित है। कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा जीव है जिसमें परब्रह्म परमात्मा नहीं है? एक चींटी में भी भगवान है, एक हाथी में भी भगवान है, एक मनुष्य शरीर में भी भगवान है। तो हमें परब्रह्म परमात्मा को चर अचर सब जीवों में देखना है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में वह सब इंद्रियों से रहित है, आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है। परम पिता किसी से मोह नहीं करता, जन्म मृत्यु का ये तो पृथ्वी पर चक्र लगा हुआ है, लेकिन वो हमारा पिता बनकर हमारा पालन पोषण करता है और हमको संपूर्ण सहित मार्ग पर लाने के लिए हमें समझाता भी है, और निर्गुण होने पर हमारे गुणों को भोगने वाला भी है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चराचर भी वही है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ घड़ों में पृथक पृथक सदृश प्रतीत होता है, जैसे वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक दिखाई देता है। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति और माया से अत्यंत परे कहा गया है। वह सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है, सबके हृदय में मेरे प्रभु का वास है, सबके हृदय में। आप कभी भी किसी, कोई गरीब हो क्या है, कोई जीव हो, कभी उसका अपमान मत करो, उसका बुरा मत करो, क्योंकि प्रभु सबके हृदय में वास करते हैं। इस प्रकार क्षेत्र और ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में मैंने आपको इधर समझाया, जो प्रभु ने अपनी वाणी में अर्जुन को समझाया वो इधर पाठ के द्वारा मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ ये आपको जरूर समझ आया होगा। भगवान कहते हैं मेरा भक्त इसको तत्व को जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेष विकारों को त्रिगुणात्मक पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान। कार्य और करण को उत्पन्न होने में हेतु प्रकृति कही गई है।
कार्य कौन से कहे गए हैं भगवान ने? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रस, गंध, इनका नाम कार्य है। और करण किसको कहा है? बुद्धि, अहंकार, मन, स्रोत, त्वचा, रचना, नेत्र, वाक, हस्त, पाद, गुदा, इन 13 नामों को करण कहा है। तो कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु जो प्रकृति होती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित थी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न इन पदार्थों को भोगता है। इन गुणों का संघी इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनि में जीव जन्म लेने का कारण है। अच्छी बुरी योनि में जन्म लेने का मतलब सत्य गुण के संग से देवी योनि में, रजो गुण के संयोग से मनुष्य योनि में और तमो गुण के संयोग से पशु और पक्षी आदि नीच योनि में हमारा जन्म होता है। तो ये हमें सोचना है कि हमें अपना दूसरा जन्म कैसा चाहिए, सत्य गुण से, तमोगुण से या रजोगुण से, ये हमारे ऊपर निर्भर है, भगवान नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमें जीव जंतु बना देंगे, कीट बना देंगे, प्रभु क्या करेंगे, कैसे घर में जन्म लेंगे, देंगे हमें, तो ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम अपना रिजल्ट अच्छा बना सकते हैं अगर अभी हम अच्छी, जैसे एक विद्यार्थी एग्जाम से पहले अच्छी पढ़ाई से पढ़ाई करता है, अपनी अच्छे से तैयारी करता है, तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा? बहुत अच्छा आएगा। 100 में से 100 भी आ सकता है, 99 भी आ सकता है, मतलब बहुत अच्छा आएगा। उसी प्रकार हमारा दूसरा जन्म कैसा होगा, दूसरा जीवन कैसा होगा, वो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इस समय इस जन्म में कैसी तैयारियां कर रहे हैं। तो तैयारियों में क्या आता है? भगवत नाम लेना, नाम जप करना, संकीर्तन करना, भगवान के नाम की ही कथा कहानियाँ सुनना और अपना उनकी भक्ति में मन लगाना, किसी से मोह नहीं करना, क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, सब अपने हैं लेकिन कोई अपना नहीं है, इस सत्य को हमेशा जानकर रखना, तभी हमारी परमागति हो सकती है। गीता का प्रत्येक श्लोक हमें परमागति की ओर लेके जाता है, बस उसको समझने की जरूरत है। कोई भी अध्याय, कोई भी श्लोक ले लीजिए आप, उसका हर किसी श्लोक का अर्थ यही है कि हम परमागति को कैसे प्राप्त होंगे, भगवान कितनी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हमें सिखा रहे हैं, उन्हें अपने हृदय में हमें बस उतारने की जरूरत है, फिर देखिए हमारा जीवन कैसे सुधरता है। इस प्रकार मनुष्य पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति को जो अपने तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं और अन्य कितने ही कर्म योग के द्वारा, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले हैं, वो न जानते हुए भी, तत्व के जानने से भी, श्रवण करते हुए भी इस मृत्यु रूप संसार से तर जाते हैं। सब कुछ न जानकर भी जानना, ज्ञानी नहीं है लेकिन भगवान का नाम जप तो कर रहे हैं, नाम जप करके भी हम तर जाएंगे भवसागर से। कुछ एक बस पकड़ लो आप, उसका अभ्यास करते रहो। हमें भगवान का नाम सुनना है या जिभ्या से, अपने कानों की ज्ञानेंद्री कोई सी भी काम करनी लेनी है, कानों से सुनना है, आँखों से देखना है, अच्छा अच्छा मुंह से अच्छा अच्छा बोलना है, हाथों से दान करना है, अपने पैरों को काम में किस में लाना है, सत्संग में ले जाओ उनको, मंदिर में लेके जाओ, सेवा करवाओ, हाथों से सेवा दान धर्म करवाओ, आँखों से अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक किताबें पुस्तकें पढ़वाओ, अच्छे अच्छे वीडियो जिनमें कथा भागवत हो रही हो, कहानियाँ सुनाई जा रही हो भगवान की, उनको दिखाओ सुनाओ, तो देखो आपका चित्त कितना निर्मल होता चला जाएगा। हे अर्जुन, जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही तो यथार्थ देखता है, क्योंकि जो पुरुष सबको समभाव से परमेश्वर को देखता हुआ अपने को नष्ट नहीं करता, वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सर्व प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जा देखता है, वह आत्मा को अकर्ता देखता है, यही यथार्थ है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं,
प्रभाव पड़ता है शरीर पर, क्योंकि आत्मा तो किसी शरीर में ही प्रवेश करती है ना, तो आत्मा पर किसी वस्तु का किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्र द्वारा तत्व से जान लेते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री राधे। अब थोड़ा सत्संग करते हैं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ ओ नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ ओ नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, राधे रानी सरकार की जय। आपको मेरा ये गीता पाठ कर्ण प्रिय लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ये वीडियो अब आगे लोगों को भी शेयर हो। आप अपने सगे संबंधियों को भी शेयर करें, इससे भी आप पुण्य के भागी बनेंगे। और मेरे चैनल के बेल आइकन को भी दबाना ना भूलना, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नए नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अभी के लिए जय श्री राधे।